ब्रैकेट में लिखा है, अगर कहीं ब्लैंक ब्लॉक में या कहीं आओ गया कहीं पे वन वर्ड में आ गया, तो रिसेक्शन मेथड को हम क्या बोलते हैं, बैक रे मेथड भी कहते हैं। क्यों बैक रे मेथड कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम बैक रे का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ डिटेल में। तो रिसेक्शन मेथड जो सा होता है, ये बैक रे मेथड होता है, ये भी एक मेथड है ऑफ डूइंग प्लेन टेबल सर्विंग। अब सबसे पहले ये मेथड यूज कहाँ होता है, ये मेथड स्टूडेंट वहाँ यूज होता है जहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जमीन का जिसकी पोजीशन हमने शीट पे लगानी है, ठीक है, जिसकी पोजीशन हमें शीट पे फाइंड करनी है, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। कैसे आपको भी पता लगेगा, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन हम शीट पे लोकेट करना चाहते हैं, मतलब उसकी पोजीशन ग्राउंड पे तो फिक्स है, कोई ऐसा मेथड जिस मेथड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन ग्राउंड पर फिक्स है, पर हम किसी कारणवश ग्राउंड पे तो फिक्स है पर हम उसको शीट पे फिक्स करना चाहते हैं। कैसे फिक्स करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक रे। क्यों बैक रे के हिसाब से फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस पॉइंट से डायरेक्ट मेजरमेंट अपने स्टेशन पॉइंट तक नहीं ले सकते। जब हम उस पॉइंट से जिस पॉइंट की पोजीशन हमने शीट पे मारनी है, उस पॉइंट से डायरेक्ट मेजरमेंट अपने स्टेशन पॉइंट तक नहीं ले सकते, लीनियर मेजरमेंट ग्राउंड के ऊपर, तो उस केस में उस पॉइंट को शीट के ऊपर कैसे लोकेट करना है, उस केस के अंदर ये रिसेक्शन यूज होती है, बैक रे मेथड यूज होता है। मैं बताता हूँ आपको डायग्राम इसे कैसे इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक, जब आप कहीं फंस जाते हो प्लेन टेबलिंग में, ये क्योंकि जो पिछले तीन मेथड पढ़े हैं वो ज्यादातर वही यूज होते हैं, उनसे आगे हम जाते नहीं है। तो ये जो मेथड जो सा होता है स्टूडेंट, ये तब यूज होता है जब आप प्लेन टेबलिंग में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, किसी कारणवश आप कोई सी पॉइंट को शीट के ऊपर आपने लोकेट करना चाहते हो पर एग्जैक्टली आप ग्राउंड से उसका लोकेशन नहीं उठा पा रहे हो, तो उस केस के अंदर हम रिसेक्शन मेथड या बैक रे मेथड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम दिख रहा है सबको, ये सबको ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ जी सर। अब स्टूडेंट देखो, हम यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं एक पॉइंट से। सपोज कर लो यहाँ पे ये पॉइंट वाई दिख रहा है सबको, हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है। अब देखो दो पॉइंट है एक्स और ये वाई, ये दो पॉइंट है एक्स और ये वाई, ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों की जो पोजीशन है वो जमीन के ऊपर फिक्स है, जमीन के ऊपर हम एक्स को भी लोकेट कर सकते हैं, जमीन के ऊपर हम वाई को भी लोकेट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ कहीं पे है जेड पॉइंट, जेड पॉइंट। अब देखो एक ये जेड पॉइंट जो है वो भी जमीन के ऊपर है, जेड पॉइंट लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई जो से असेसिबल है, मतलब एक्स और वाई के बीच में मेजरमेंट हो सकती है जमीन के ऊपर, पर एक्स और जेड के बीच में जमीन के ऊपर मेजरमेंट करनी इट इज वेरी डिफिकल्ट, या वाई से लेके जेड तक जमीन पे मेजरमेंट करनी इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में जेड पॉइंट जो कि जमीन पे पता है हमें कहाँ पे है, पर उसको शीट पे बनाना है, शीट पे बनाने के लिए हम कैसे उसको शीट पे उतारें, क्योंकि हम एक्स से जेड तक मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम जेड से वाई तक मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम जेड पॉइंट को फिर भी हमने शीट पे बनाना है, तो हम कैसे बनाए शीट के ऊपर, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये बैक रे मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, हम वाई पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंटर कहाँ गया, हाँ जी सबको ये वाई पॉइंट दिख रहा है, ये वाई पॉइंट, ये वाला वाई पॉइंट, ये है जमीन का पॉइंट। अब वाई पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टेबल सेंटर, सबसे पहले हम सारी सेटिंग जो है वाई पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, वाई पॉइंट पे हम क्या करेंगे अपनी सारी टेबल की सेटिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी लेवलिंग कर लेंगे, लेवलिंग मतलब वही स्पिरिट लेवल से क्या करेंगे, चारों तरफ चला के देख लेंगे स्पिरिट लेवल, जौन सा आपका एयर बबल जौन सा है वो सेंटर में रहना चाहिए। तो अब जब वाई पॉइंट के ऊपर आपकी सारी सेंटरिंग होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई पॉइंट पे हमने क्या करना है, सेंटर कर लिया, हम क्या करेंगे एक्स पॉइंट के ऊपर रखेंगे रॉड, एक एक्स पॉइंट दिख रहा है सर, ये x पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे रॉड रखेंगे। हम क्या करेंगे y पॉइंट के ऊपर जब हमने टेबल रखा होगा, तो हम हमारी शीट के ऊपर जो y पॉइंट रहेगा उसके साथ रखेंगे एलिडेड, और x पॉइंट को साइड करेंगे, x पॉइंट को जब हमने साइड कर लिया हम रे मार देंगे, लाइन मार देंगे, हमारे ऊपर शीट के ऊपर बन गई लाइन वाई एक्स। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे y से लेके x तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जमीन पे मेजर कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे अपनी शीट के ऊपर काट लेंगे और x पॉइंट जो है शीट के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम x पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, हम y से हमने काम कर लिया, अब y से हमने क्या करना है x पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया, अब हम x पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो हम वही चीजें करेंगे सारी, उसकी पहले लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल, उसके बाद हम क्या करेंगे सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग कैसे करेंगे, जो जमीन पे x पॉइंट है उसको हमने शीट के ऊपर सेंटर कर देना, जमीन पे x पॉइंट फिक्स है उसको हमने शीट पे विद द हेल्प ऑफ लंप ऑफ एंड यू फ्रेम x के ऊपर x ले आना, शीट के ऊपर x फिक्स कर देना।
हमारी शीट पे क्या लग गया, हमारी शीट पे एक्स वाई लाइन लगी हुई है, सिर्फ ओनली एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, जो ये जेड पॉइंट है, जेड पॉइंट बहुत दूर पॉइंट है, जेड पॉइंट को हम देख सकते हैं, पर किसी भी कारणवश, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जो मर्जी कोई मर्जी प्रॉब्लम हो सकती है, हम जेड से एक्स तक की लीनियर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो जेड पे रेजिंग रॉड लगा देंगे, हमने जेड पे यहाँ पे रेजिंग रॉड लगा दी। अब हम खड़े हैं यहाँ पे एक्स पे, हम क्या करेंगे, एक्स से पे खड़े होके एक्स पे हमारा एडिटेड जोन से है वो सेंटर हुआ पड़ा है, हम क्या करेंगे जेड को बाइसेक्ट करेंगे, हम ये लाइन मार देंगे। लाइन हम लगा सकते हैं शीट के ऊपर, हमने लाइन लगा दी एक्स जेड वन। अब हमने एक्स जेड वन जोन से है वो लाइन लगा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, अंदाजा लगाना है, हमने क्या करना है, हमने अंदाजा लगाना है। सपोज कर लो हमने अंदाजा लगाना है, हमने अपने हिसाब से सोच लिया कि एक्स से लेके जेड तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज कर लो 45 या 50 जितना भी मीटर है, हो सकता है हमने अंदाजा लगाना है, अंदाजा, हम डायरेक्ट मेजरमेंट ग्राउंड पे नहीं कर सकते। हमने क्या किया, अंदाजा लगा लिया, अंदाजा लगाने के बाद अंदाजे को अपने स्केल पे कन्वर्ट कर लिया और एक्स जेड वन पॉइंट जोन है उस हिसाब से कट कर लिया शीट के ऊपर। अभी हमने ये जो एक्स जेड वन है ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ग्राउंड की, ये हमारी एस्टिमेटेड मेजरमेंट है, जस्ट रफ आइडिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना, ये टेबल उठा के यहाँ पे जेड पॉइंट पे ले जाना। जेड पॉइंट पे जब हम टेबल उठा के ले गए, फिर हमने क्या करना है, इसकी सेंटरिंग करनी है। कैसे सेंटरिंग करनी है, ये जो जेड वन पॉइंट है जो कि रफ लगा था, जो कि रफ लगा था, हमने जेड पॉइंट को सेंटर करना है एग्जैक्टली ग्राउंड के जेड पॉइंट के ऊपर, हमने जेड वन को सेंटर करना है एक्चुअल ग्राउंड के जेड के ऊपर, हमने सेंटर कर लेना है। फिर हमने साथ के साथ लेवलिंग भी कर लेनी है, सेंटरिंग कर लेनी है। फिर हमने क्या करना है, एलिडेड रखना है एक्स जेड के लॉन्ग, जो एक्स जेड वन के लॉन्ग इस शीट के ऊपर, एक्स जेड वन के लॉन्ग रखना है एलिडेड। जो हमें जो पीछे एक्स पॉइंट पे रॉड लगी हुई है उसको देखना है, उसको देख लिया तो हमने क्या करना है, जोन सा टेबल जोन सा कस देना। उसके बाद मेन काम हमारा ये है, हमने ये जो वाई पॉइंट शीट पे लगा हुआ है इसके साथ रखना है एलिडेड। तो हमने क्या करना है, वाई पे रखी हुई रेंजिंग रॉड देखनी है, साइड करनी है। फिर हम क्या करेंगे, वाई इस ये लाइन मारेंगे, इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, बैक प्रोड्यूस कर देंगे, ये बैक हो जाएगी। जहां पर ये वाई वाली लाइन पिछली एक्स जेड वन को कट गई, वो पॉइंट एक्चुअल जेड पॉइंट होएगा, जो कि आपकी शीट के ऊपर एग्जैक्ट बराबर रहेगा जो कि नीचे ग्राउंड पे है। तो ये चीज जो सी होती है स्टूडेंट, ये जो है बैकरे से हमने यूज कर दिया, तो ये बैकरे मेथड कहलाता है ऑफ डूइंग प्लेन टेबल। ठीक है, किया क्या इसके अंदर, देखो फिर दोबारा बताता हूँ। हम सबसे पहले वाई पे थे, वाई पे हमने क्या किया, सारा कुछ हमने लेवलिंग सेंटरिंग सब कुछ कर ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्स पॉइंट के ऊपर हम एक्स से वाई तक मेजर कर सकते हैं, हम एक्स के ऊपर रॉड रखी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन मार ली, एलिडेड रखा वाई के ऊपर शीट के ऊपर, और रॉड को हमने बाइसेक्ट करके एक्स वाई लाइन मार ली, हमने डिस्टेंस